नमस्कार, मैं के एस राव हूँ। आपका दोस्त ये सुडोकू पज़लों के लिए। तो आज एक पज़ल मैंने चुना है, इसके बारे में कुछ बताना है आप लोगों को। देखिए, इसको जिस वेबसाइट से मैं नकल कॉपी किया लिया हूँ, उस वेबसाइट वालों ने बताया कि ये वेरी हार्ड पज़ल है, मतलब बहुत मुश्किल। लेकिन देखते हैं तो इसमें 30 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ऐसा भी। उसने ये भी बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए एक एक्स विंग चाहिए और एक्स वाई विंग भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी कारण के लिए मैं इसको चुना है। तो इसको एक दो बार हल किया है, वो एक बार दो एक्स वाई विंग नज़र आया, वो एक्स विंग के बारे में याद नहीं है, और दूसरे बार कोई विंग नज़र नहीं आया, पज़ल सॉल्व हो गया। तो ये इतना सारा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अब सॉल्व करने जाता हूँ तो इसमें एक्स विंग नज़र आएगा, एक्स वाई विंग नज़र आएगा, कितने वो नज़र आएंगे वो वहीं देख लेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, चलती है, वहाँ चलिए। तो ये है अपना वो पज़ल, जिससे इसमें देखिए ये बीच वाला बॉक्स है पूरा खाली है और नंबर 4 एक ही बार नज़र आता है। ओके, और इसमें टोटल जो जैसे मैं बताया 30 नंबर दिए हुए हैं। अब अपन चालू करेंगे। ओके, ये अपना तरीका जो है ना, टॉप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से चालू करते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 एक बार है, 2 नहीं है, 3 दो बार है, लेकिन यहाँ या यहाँ नहीं मालूम इस वक्त, क्योंकि नीचे कोई क्रॉस चेक नहीं है। ओके, तो फिर नंबर 4 एक ही बार है, जैसे मैंने बताया आपको नंबर 4 एक बार है, और 5 यहाँ नज़र नहीं आता, 6 दो बार है, हाँ नंबर 6 के लिए एक जगह मिलता है, देखिए ना यहाँ पर नंबर 6 ये रो सी में है, रो बी में भी है, तो यहाँ कहीं रिपीट नहीं होगा, यहाँ कहीं रिपीट नहीं होगा, तो सिर्फ A1 में नंबर 6 बैठना चाहिए। लिख देते हैं नंबर 6 वहाँ, और 7 एक बार है, नंबर 8 दो बार है, देखिए ना नंबर 8 यहाँ और 8 यहाँ, एक नीचे एक 8 नंबर क्रॉस चेक कर रहा है, तो यहाँ नंबर 8 लगेगा। ओके, नंबर 8 यहाँ, फिर नंबर 9 के लिए 2 जगह मिलते हैं, नंबर 9 वहाँ और नंबर वहाँ, ये 2 जगह मिलते हैं नंबर 9 के लिए, फिलहाल रहने दीजिए उसको। ओके, यहाँ बी मिडिल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में नंबर 1 एक बार है, नंबर 2 दो बार दिखता है, लेकिन ये 3 जगह नंबर 2 के लिए मिलते हैं, कहीं ऊपर नीचे कहीं क्रॉस चेक नहीं है। तो फिर उसके बाद 4 नहीं है, 5 एक बार है, 6 नंबर 6 दो बार है, नंबर 6 के लिए देखिए ना, एक नंबर 6 इस रो में है, एक नंबर 6 इस रो में है, नंबर 6 यहाँ पर है और एक नंबर 6 यहाँ पर भी है, इसका मतलब यह है कि ये सेल D5 नंबर 6 के लिए पक्की जगह है। ओके, तो नंबर 6 वहाँ, फिर 7 के लिए 2 जगह मिलते हैं, छोड़ देते हैं, 8 नहीं है, 9 भी यहाँ पर नहीं है। ओके, यहाँ आएंगे नंबर 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 नहीं है, 5 3 बार हो गया, 6 एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, 9 दो बार है, तो 9 नंबर के लिए ये जगह है। ओके, नंबर 9 के लिए ये जगह। ओके, फिर अब ये वर्टिकल स्ट्रिप्स में जाएंगे, इसे चालू करते हैं आज, इसे चालू करेंगे। तो यहाँ नंबर 1 नहीं है, एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 एक बार है, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार, 6 दो बार है, लेकिन 6 नंबर 6 यहाँ या यहाँ नहीं बोल सकते, इस वक्त नहीं बता सकते, छोड़ दीजिए। फिर 7 एक बार है, 8
दो बार है लेकिन यहाँ क्रॉस चेक नहीं है, एक लाल रंग लिखा है, ये यहाँ कोई क्रॉस चेक नहीं है, इसलिए छोड़िए। फिर नौ, नौ के एक जगह मिल रहा है कि नहीं? हाँ, अभी देखिए ना, ये आठ नंबर यहाँ, आठ नंबर वहाँ, नौ नंबर यहाँ, नौ नंबर वहाँ, मतलब इन दोनों जगह में आठ और नौ दोनों नंबर मिल के एक जोड़ी बनना चाहिए। और हम लिख देते हैं उसको आठ और नौ यहाँ। ओके, यहाँ अभी आठ और नौ का जोड़ी हो गया। अब ये तीन कुछ कर सकते हैं, तीन जगह इसमें अब क्या चाहिए, नंबर तीन, चार और पाँच। नंबर पाँच यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पाँच नंबर लिख लेते हैं, और नंबर चार ऊपर दिख रहा है तो नंबर चार यहाँ लिखेंगे, और ये जगह नंबर तीन के लिए, नंबर तीन हो गया ना। अब देखिए ये कर्ण नंबर नौ में तीन जगह खाली है इस वक्त, ये कौन से नंबर के लिए, एक छः सात। देखिए लेकिन एक और छः एक ही रो में नजर आते हैं, अपना टू बाई थ्री ट्री के हिसाब से यहाँ नंबर सात बैठना चाहिए, क्योंकि नंबर एक और छः यहाँ बैठ नहीं सकते, इसलिए नंबर सात यहाँ बैठता है। इसका नाम मैंने दिया है टू बाई थ्री ट्रिक। तो ये नंबर एक और छः एक जोड़ी बन के ये दो जगह में बैठते हैं। देखिए तो लिख देते हैं उसको भी, वन एंड सिक्स, वन एंड सिक्स। ओके, अब इस बॉक्स में कुछ हो सकता है कि देखेंगे ना, यहाँ क्या चाहिए, नंबर टू थ्री एंड फोर, नंबर तीन ऊपर दिख रहा है तो यहाँ नंबर तीन लिख लेते हैं, और ये नंबर दो यहाँ दिख रहा है ना, तो नंबर दो यहाँ लिखेंगे, और ये पक्की जगह है नंबर चार के लिए। ओके, ये नंबर चार यहाँ बैठ गया। अब इस बॉक्स में एक बार देखेंगे ना, अच्छा ये कॉलम नंबर आठ में तीन जगह खाली है, वो बहुत आसान है। ये नंबर कॉलम नंबर सात में देखिए जगह अब खाली है, वो है नंबर सात के लिए, क्योंकि सब यहाँ जोड़ी बना लिया ना आठ और नौ का, तो नंबर सात यहाँ। ओके, और ये तीन जगह नंबर वन टू और फाइव के लिए, नंबर एक एक दिखता है क्रॉस चेक करते हुए, तो दो और पाँच यहाँ लिख लेते हैं, और तीनों नंबर इन दोनों जगह में एक दो पाँच, यहाँ भी वन टू एंड फाइव। ओके, अच्छा अब इसको तो भर दिया हमने, सॉल्व तो नहीं किया लेकिन भर तो दिया है ना, तो फिर यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए नंबर वन एक ही बार है, नंबर दो दो बार है, लेकिन इन दोनों जगह में कहाँ बिठाना चाहिए इस वक्त बोलना मुश्किल है, छोड़ दीजिए। नंबर तीन नहीं है, चार नहीं है, नंबर पाँच के लिए ये जगह मिलता है, देखिए ना नंबर पाँच के लिए ये जगह मिल रहा है, तो इधर आज के जो ये नंबर पाँच को यह काट देते हैं ना, ये नंबर पाँच कट गई। ओके, तो फिर नंबर छः, छः यहाँ और छः यहाँ, ये इन तीनों जगह में कहीं एक ही क्रॉस चेक था है नंबर छः। हाँ, ये रो एच में देखिए एक ही जगह खाली है इस वक्त, वो कौन से नंबर के लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नंबर आठ के लिए ये जगह, देर से देख रहा हूँ। ओके, तो हम क्या सोच रहे थे, छः नंबर छः के लिए ये दो जगह। ओके, नंबर सात के लिए ये जगह मिल रहा है, देखिए नंबर सात एक यहाँ और एक और सात यहाँ और एक साथ यहाँ क्रॉस चेक कर रहा है, तो ये नंबर सात के लिए। ओके, अब आठ, आठ के लिए यहाँ कोई क्रॉस चेक नहीं है, ये दो जगह में इन दोनों जगह में आठ कहीं बैठना चाहिए। ओके, अब इस बॉक्स में तीन नंबर, तीन जगह कौन से नंबर के लिए देखेंगे ना, नंबर दो चार और तीन, दो तीन चार, दो तीन चार में नंबर दो एक नज़र आता है यहाँ पर, तीन और चार कहीं दिखता नहीं, लिख लेते हैं थ्री एंड फोर यहाँ, और वो नंबर तीन एक यहाँ पर है तो टू एंड फोर यहाँ, यह
2 and 4, ये तीनों नंबर के लिए कोई क्रॉसिंग नहीं है. 2 3 4, 2 3 4, ओके. अब अगला पॉइंट देखिए, इस कॉलम में तीन ही जगह खाली है, ये कौन से नंबर के लिए? 3 4 और 6, 3 4 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ कहीं नहीं है, ओके. तो 3 4 6 लिख देते हैं, 3 और 4 यहाँ, 3 4 तीनों नंबर यहाँ, 4 कहाँ है? 4 नज़र नहीं आ रहा है, ओके. 3 4 6 और यहाँ नंबर 3 है, 4 और 6, 4 और 6, ओके. और क्या करेंगे? अच्छा यहाँ आएंगे ना, यहाँ नंबर 1 एक बार दिखता है, 2 नहीं है, 3 2 बार है, लेकिन यहाँ कोई क्रॉस चेक नहीं है, ओके. 4 नहीं है, 5 एक ही बार है, 6 हो गया, 7 एक ही बार नज़र आता है, और 8 एक ही बार है, और 9 भी एक ही बार है, ओके. छोड़िए, फिर अब बॉक्स में बॉक्स जाएंगे ना, तो इसी बॉक्स से चालू करते हैं. देखिए इस बॉक्स में एक खासियत है, इसको देखने के 3 तरीके हैं. देखिए नंबर 1 तरीका ये है, देखिए इसमें 5 नंबर हैं इस वक्त पे, 4 नंबर चाहिए, कौन से नंबर चाहिए? नंबर 2 चाहिए, 4 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए. देखिए 2 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो यहाँ क्या कौन सा नंबर आएगा? नंबर 4 आएगा यहाँ पर, इसको याद रखते हैं. दूसरा तरीका ये है कि देखिए नंबर 2 1 यहाँ पर है, नंबर 7 यहाँ पर है, तो ये दोनों नंबर मिल के एक जोड़ी बन के ये 2 जगह लेते हैं ना, तो यहाँ क्या होगा? ऊपर 8 दिखता है, यहाँ पर 8 लग जाएगा, यहाँ पर 4 लग जाएगा, ओके. फिर तीसरा तरीका देखिए, यहाँ पर 1 8 है, यहाँ पर 1 8 है, और यहाँ पर 1 8 है, तो यहाँ 8 बैठना चाहिए. देखिए तमाशा, तब लिख लेते हैं इसको, पहले यहाँ पर नंबर 4 लिखेंगे, फिर अच्छा फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 2 और 7 का जोड़ी कहीं ऊपर क्रॉस चेक नहीं है, ओके. तो यहाँ 2 और 7 लिख देते हैं. इसके बाद देखिए ये रो 6 को भर लेते हैं. अभी यहाँ 1 2 3 ही खाली जगह है, तो वो हैं कि 1 4 और 6 के लिए यहाँ नंबर 6 दिख रहा है, तो यहाँ कौन से 2 नंबर बैठेंगे? यहाँ पर 1 और 4, बिल्कुल 1 और 4, 1 और 4 यहाँ पर, और यहाँ क्या बैठेगा? वो यहाँ ये 4 लिखने के बाद ये इस 4 को काटना चाहिए ना यहाँ पर, हाँ काट देते हैं, ठीक है. अब ये 3 जगह, 3 1 3 और 6 के लिए यहाँ ऊपर 6 दिख रहा है ना, यहाँ नंबर 1 एंड 3 लिखते हैं. यहाँ पर नंबर 1 एंड 3, हाँ. अब पहला अपना वो खास ट्रिक जिसके बारे में पहले शुरू में बोला था मैं, देखिए इस बॉक्स को देखिए, ये एक्स वाई बैंक में बता रहा हूँ, एक्स वाई बैंक, उसको ढूंढने का तरीका बहुत आसान है. मैं अभी को समझा रहा हूँ. अभी देखिए किसी भी बॉक्स में कोई ऐसा 2 खाने देखिए जिसमें 2 2 के नंबर मिलते हैं. जैसे कि देखिए बस यही इसी को दिखाना है. इस बॉक्स में 1 और 3 यहाँ है, और 1 और 4 यहाँ है, नंबर 1 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ये 3 और 4 को मिला करके एक और जोड़ी कहीं इस रो में या इस कॉलम में या इस रो में मिलना चाहिए. अगर मिल जाता तो वह एक सेविंग बन जाता, ठीक है ना.
अभी देखिए यहाँ पर ये एक तीन एक चार जो हैं, तीन और चार का एक जोड़ी, सीधा ऊपर जाते हैं वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर है ना तीन और चार का एक जोड़ी, है ना। तो ये बन गया एक एक्स वाई रिंग। तो इसमें मज़े की बात ये है कि देखिए ये एक दो तीन खानों में जो है तीन एक चार है ना, तो इसमें नंबर चार यहाँ भी बैठ सकता है या यहाँ भी बैठ सकता है। तो सोचिए अगर यदि नंबर चार यहाँ होता तो इन दोनों खाने में नंबर चार कट जाता है ना, याद रखिए। यदि नंबर चार यहाँ होता तो भी इन दोनों खानों में चार कट जाता है। तो एक्सरे रिंग का यही मज़ा है। तो चालू करते थे, यहाँ नंबर चार है या यहाँ नंबर चार भी है तो ये चार कट जाता है ना, यहाँ कट के नंबर दो रह जाता है और यहाँ क्या रहेगा, नंबर चार भी कटेगा या दो भी कटेगा तो नंबर तीन यहाँ बचता है। नंबर तीन तो यहाँ बाएं तरफ देखिए ना, यहाँ नंबर चार, ये बॉक्स भर गया, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, ये नंबर दो यहाँ लिखने के बाद इधर आएंगे तो ये जोड़ी भी बिगड़ जाता है और नंबर एक यहाँ कायम कर सकते हैं। और ऊपर इस नंबर एक को काट दीजिए, यहाँ दो और पाँच का एक सेट रहेगा, ओके रहने दीजिए। अब आगे क्या होता है देखते हैं ना। इसी कॉलम को देखिए ना, यहाँ कौन से तीन नंबर चाहिए, एक चार और नौ, एक और चार इसी रो में दिखते हैं ना। तो अपना फिर अपना टू बाई थ्री ट्रिक, तो यहाँ नंबर नौ लिख लेते हैं और यहाँ एक और चार, ओके। अब क्या करेंगे, तीन चार छः यहाँ पर है, एक और चार यहाँ बनता है और यहाँ एक बार इसको देखेंगे ना, हाँ देखिए एक तीन और आठ चाहिए, नंबर एक और तीन आठ नहीं है, ओके ठीक है। इस रो को देखेंगे ना, रो डी में क्या होता है, दो खाली खाने हैं, दो खाली जगह हैं नंबर दो और आठ के लिए, देखिए ना आठ यहाँ पर जो है, ये नंबर आठ यहाँ लिख लेते हैं और नंबर दो यहाँ, यहाँ देखिए ना ये रो बी में एक ही जगह खाली है, वो कौन से नंबर के लिए, एक दो तीन नंबर चार चाहिए, चार लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर चार ए ऐसे, ओके। फिर ये रो ए देखेंगे ना, इसमें तीन ही जगह खाली है सख्त, वो कौन से नंबर के लिए, नंबर एक दो और पाँच चाहिए, नंबर एक यहाँ दिखता है देखिए ना, तो यहाँ तो लिखा नहीं जाएगा नंबर एक, और यहाँ का नंबर एक काट दिया था हमने, तो नंबर एक के लिए एक ही जगह बचता है ये यहाँ पर, ये सिक्स में यहाँ नंबर एक लिख देते हैं, ये ना। अब यहाँ क्या बैठेगा, इसका बराबर का जोड़ी, इसके बराबर का जोड़ी या दो और पाँच का यहाँ बैठेगा, है ना, दो और पाँच ठीक है। अब उसके बाद रो सी को देखेंगे ना, यहाँ भी तीन ही जगह खाली हैं, वो कौन से नंबर के लिए, नंबर दो पाँच और नौ नहीं है, तो नंबर नौ नीचे यहाँ पर जो है तो नंबर नौ यही लिखना चाहिए, ये नंबर नौ, ओके। अब यहाँ पर इसके बराबर का जोड़ी दो और पाँच बिठाना चाहिए, लेकिन नीचे पाँच दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इसकी ओर से इसको नंबर पाँच कर देते हैं यहाँ पर, ये पाँच ऊपर ये दो, फिर यहाँ पाँच यहाँ दो, मज़ा आया ना, ओके।
ठीक है, अब क्या करेंगे? अच्छा, अब इस कॉलम को देखिए, नंबर कार्ड नंबर 6 में दो ही जगह खाली है, तो ये कौन से नंबर के लिए? यहाँ चाहिए 5 और 9, 1 2 3 4 है, 5 और 9 नहीं चाहिए, नहीं है। ओके, तो यहाँ जो 5 नंबर दिख रहा है ना, यहाँ 5 लिख लेते हैं और यहाँ 9 लिखते ही बगल में देखिए ना, ये जोड़ी कट जाता है और यहाँ नंबर 8 और नीचे में नंबर 9, ओके ना। अब इस बॉक्स एक बार देखते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए। 1 3 4 7 1 4 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो यहाँ कौन सा नंबर बैठेगा? नंबर 3। ये भी अपना ब्लू लाइन ट्रिक, देखिए ना, पहला ब्लू लाइन ट्रिक से ये मेरा नंबर 4 मिला था, अब ये नंबर 3 मिल रहा है। अब ये तीनों जगह कौन से नंबर के लिए? 1 4 और 7, 7 यहाँ, और 1 और 4 एक ही कॉलम में है ना, यहाँ पर देखिए ना, तो इसकी ओर से यहाँ पर नंबर 7 बैठेगा, ये नंबर 7, ठीक है ना। तो नंबर 7 यहाँ लिखते नीचे देखिए ना, ये अपना बहुत ही फायदेमंद जोड़ी कट जाता है, यहाँ नंबर 2 रह जाता है और यहाँ नंबर 7, ठीक है ना। अब इस ये दो खरे भर सकते हैं कि देखिए ना, 1 और 4 चाहिए, वो 1 और 4 यहाँ कहीं क्रॉस चेक नहीं है, लेकिन देखिए ना, ये नंबर 3 लिखने के बाद यहाँ कुछ कर सकते हैं हम लोग। देखिए, इस 3 काट के 4 कायम कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर 4 यहाँ और यहाँ नंबर 6 और यहाँ पर नंबर 3, हो गया ना। तो यहाँ 4 लिखने के बाद यहाँ 4 तो लिखा नहीं जाएगा दोबारा, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ नंबर 4 और यहाँ आखिरी नंबर इस बॉक्स के लिए और इस ट्रिक के लिए भी नंबर 1 हो गया। फिर क्या करेंगे? ये भी भर गया, यहाँ एक जोड़ी है और ये जोड़ी इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ नंबर 6 लिखा है ना, यहाँ नंबर 1 कर सकते हैं इसको, ये नंबर 1 यहाँ 6, हम लोगों का सबसे पहला वाला जोड़ी ये भी कट गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ 4 बनता है ना, यहाँ पर देखिए ना, नंबर 4 यहाँ, ठीक है, ये 3 लिखने के बाद यहाँ पर नंबर 1, तो ये भी भर गया। अब क्या रह गया? सिर्फ ये बॉक्स रह गया ना। अब यहाँ कौन से नंबर चाहिए? 1 3 और 8 चाहिए। नंबर 1 जो यहाँ पर लिखा है हमने, यहाँ नंबर 1 लिख सकते हैं ना, नंबर 1 यहाँ, और 3 और 8 के लिए 8 वहाँ दिखता है, तो यहाँ 8 लिख देते हैं और यहाँ नंबर 3, हो गया ना। देखिए दोस्तों, ये पजल सही में एक मुश्किल पजल शायद थी, मेरे को यकीन नहीं है, फिर भी वो उस जिन्होंने ये पजल बनाया उन्होंने बताया कि वेरी हार्ड पजल है। तो इसके लिए एक एक्स विंग एक एक्स वाई विंग बोला था उसने, मेरे को दो बार एक्स वाई विंग दिखा, इसको देखने से पहले यहाँ कहीं एक्स वाई विंग एक मिला था मेरे को शायद, ये और ये और इन तीनों खानों में, लेकिन आज जो है इसको पहले देख लेना, इस एक्स वाई विंग को पहले देखने की वजह से वो छुप गया। ओके, तो इसको ये एक्स वाई विंग बहुत काम आया, और यहाँ ब्लू लाइन ट्रिक, फिर यहाँ भी ब्लू लाइन ट्रिक, और बाकी छोटे छोटे ट्रिक्स जो है आप चाहते हैं वो 2x3 ट्रिक वगैरह वगैरह। तो अब ये पजल और वीडियो कैसे लगा आप मेरे को बताइए, आप अपना कमेंट्स लिखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप सभी लोगों को उस भगवान की आशीर्वाद।